नमस्कार, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे लालू प्रसाद यादव के बारे में। राजद सुप्रीमो लालू यादव लंबे समय से बीमार हैं। ऐसे में लालू यादव बेहतर स्वास्थ्य लाभ के लिए सिंगापुर जाएंगे। बताया जा रहा है कि लालू यादव किडनी ट्रांसप्लांट के लिए सिंगापुर जा रहे हैं। इस दौरान वे कई अन्य बीमारियों का भी इलाज करवाएंगे। दैनिक जागरण में छपी एक खबर के अनुसार लालू यादव को सिंगापुर जाने के लिए डॉक्टरों से लगातार संपर्क साधा जा रहा है, जिसमें यह बात अब निकलकर सामने आई है, जिसमें यह बताया जा रहा है कि डॉक्टरों ने उन्हें सिंगापुर जाने की परमिशन दे दिया है। बता दें कि लालू यादव कई बीमारियों से ग्रसित हैं, जिसमें शुगर, बीपी के साथ साथ हृदय रोग, यूरिक एसिड, थैलेसीमिया, ब्रेन, आँख जैसी कई अन्य बीमारियाँ शामिल है। मीडिया में चल रही खबरों की माने तो लालू यादव का 75% किडनी डैमेज हो गया है। ऐसे में लालू यादव को सिंगापुर भेजने को लेकर तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। बताया जा रहा है कि पिछले दिनों पटना में उनकी पत्नी और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के 10 सर्कुलर रोड आवास की सीढ़ियों से गिरने से कारण जो है लालू यादव के कंधे में फ्रैक्चर आ गया था, जिसके बाद उन्हें एयर एम्बुलेंस से दिल्ली के एम्स ले जाया गया था। उपचार के दौरान लालू यादव में ही उनकी बड़ी बेटी राज्यसभा सांसद मीसा भारती के सरकारी आवास पर उन्होंने स्वास्थ्य लाभ ले रहे थे। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद लालू यादव इसी हफ्ते पटना लौटे हैं। ऐसे में यह भी कहा जा रहा है कि लालू यादव की एक बेटी रोहिणी आचार्य सिंगापुर में रहती है, जिसके कारण लालू यादव को इलाज में सहूलियत होगी। ऐसे में यह उम्मीद की जा रही है कि लालू यादव अपने इलाज को लेकर बहुत ही जल्द सिंगापुर जा सकते हैं। पिछले दिनों जब लालू यादव पटना के एक निजी अस्पताल में भर्ती थे, उस समय जब नीतीश कुमार उनको देखने गए थे तो उन्होंने कहा था कि हम लालू यादव की बीमारी का इलाज बिहार सरकार उठाएगी। इस समय नीतीश कुमार बीजेपी के साथ सरकार चला रहे थे, वे महागठबंधन दल के साथ मिलकर बिहार की सत्ता में है। वर्तमान की बात कर लें तो लालू प्रसाद यादव की तबीयत खराब है और ऐसे में जो है उन्हें सिंगापुर ले जाने की बात कही जा रही है। अब बिहार में भी महागठबंधन यानी कि कह लें कि कांग्रेस, राजद और वाम दल वाली सरकार बन गई है, उसमें जदयू ने भी समर्थन किया है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री की वो बात जिसमें उन्होंने पिछले दिनों कहा था कि लालू प्रसाद यादव को जो है बिहार सरकार अपने खर्च से इलाज करवाएगी, हालांकि अब ये देखना है कि लालू प्रसाद यादव जो है वो कब सिंगापुर जाते हैं, क्योंकि मीडिया में पिछले दो दिनों से यह कयास लगाया जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव बहुत ही जल्द सिंगापुर जा सकते हैं। तो ऐसे में अब देखना है कि कितनी जल्दी जो है लालू प्रसाद यादव सिंगापुर जाते हैं और वो अपने स्वास्थ्य लाभ ले पाते हैं। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे इन खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।